कश्मीर घाटी में गुरुवार को मौसम साफ होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी और बाढ़ का खतरा खत्म हो गया था, लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। देर रात और शुक्रवार की सुबह से हुई तेज बरसात के कारण एक बार फिर से घाटी के लोगों की चिंता बढ़ी। हालांकि दिन निकलने के साथ ही मौसम फिर से साफ हो गया। बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है और सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार तैयार है और सेना की मदद भी ली जा सकती है। लैंडस्लाइड होने का डर है तो उसके लिए हमने सारा अलर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा तैयार रखा हुआ है। एसडीआरएफ की जो हमारी टीमें पहुंची हैं, दो जो दिल्ली वालों ने हमें भेजी थी, वो हमने पूरी तैयार की रखी हुई है और पूरे वॉलंटियर भी हमारे तैयार है। जब कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी आर्मी वालों को कॉल कर ले। इस बारिश के चलते श्रीनगर के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसे निकालने में प्रशासन फौरन ही जुट गया। मौसम ने अपनी इनायत करी है, बारिश रुकी हुई है, आप देख सकते हैं धूप खुली हुई है, लेकिन बारिश की वजह से वो जगह जगह जो पानी ब्लॉक हो गया था उसे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो टैंकर है इस पानी को यहाँ से निकालना है। वैसे लोगों को अच्छी खबर मौसम विभाग की ओर से मिली है, जिसके मुताबिक आने वाले दिनों में कश्मीर में लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है। आने वाले कम से कम 3 दिन या 4 दिन, हम कह सकते हैं 7 तारीख तक, अब जम्मू कश्मीर में और कोई भारी बारिश होने की संभावनाएं नहीं है। मौसम विभाग भले ही राहत की खबर दे रहा हो, लेकिन राहत और बचाव काम में लगी एनडीआरएफ की टीम पूरी सतर्कता बरत रही है। फ्लड रेस्क्यू का सामान पूरा है, उसके अलावा हमने कुछ कंटिजेंसीज रखी है कि अगर कुछ खुदा न खास्ते ऐसा कुछ हो जाता है जिसमें बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हो या लैंडस्लाइड का खतरा हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। पिछले कुछ दिनों में हालात सुधरने से 4 दिन तक बंद रहने के बाद कश्मीर घाटी में शुक्रवार को फिर से स्कूलों को खोल दिया गया। हालांकि पानी भरने के कारण श्रीनगर और घाटी के अन्य इलाकों में कुछ स्कूलों को अभी भी बंद रखा गया है। उधर राजौरी में भारी बारिश के चलते ज्यादातर नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से जनजीवन पर भी असर पड़ा है और लोग घरों को छोड़कर ऊंचाई वाले स्थानों पर चले गए हैं। यहाँ समस्या, हम कैंट एरिया में रहते हैं, यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, बारिश डिवाटरिंग का कोई ये है ही नहीं सुविधा, डिवाटरिंग लोगों को ये पानी परेशानी हो रही है। इस बीच राज्य में बारिश और भूस्खलन के कारण शुक्रवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए फिर से बंद हो गया है। इस वजह से कश्मीर की ओर जाने वाले 500 से ज्यादा यात्री फंस गए हैं। राजमार्ग पर 3 से 4 जगह पर यह भूस्खलन हुआ है। सीमा संगठन के लोग और मशीनें राजमार्ग को साफ करने में जुटे हैं, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश के चलते इस काम में काफी अड़चन आ रही है। गुरुवार को करीब 600 गाड़ियों को निकालकर रास्ते को खोला गया था, लेकिन अब फिर जम्मू, उधमपुर, बनिहाल, रामबन, बटोटे और पटनीटॉप जैसे स्थानों पर 1000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। राज्य में आई इस बाढ़ से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है और उनकी फसलें नष्ट हो गई हैं। बहुत नुकसान हो रहा, नीचे खेत है गेहूं का, कणक का, उसमें सब्जी है, वो भी बहुत नुकसान हुआ है। बाढ़ से लोगों को नुकसान तो हुआ है और राज्य सरकार पूरी मदद भी कर रही है, लेकिन सबको आसरा मौसम से ही है। जितनी जल्दी मौसम साफ होगा लोगों की जिंदगी पटरी पर आ सकेगी। श्रीनगर से नीरज सिंह के साथ न्यूज़ नेट डेस्क, DD न्यूज़।